रजिस्टर्स इन सीरीज। अब इसके लिए एक एक्टिविटी है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। क्या व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। क्या होगा, अब पूछ रहा है कि वैल्यू क्या होगा करंट का यदि हम रजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, करंट के बारे में पूछ रहा है और रेजिस्टेंस के बारे में बोल रहा है कि क्या होगा। तो इसके लिए एक्टिविटी 12.4 देखते हैं। जॉइन थ्री रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज, कनेक्ट देम विद अ बैटरी एन एमीटर एंड अ प्लग। एज वी नो यू मे यूज द रजिस्टर ऑफ वैल्यूज लाइक 1 ओम 2 ओम 3 ओम ETC एंड अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। प्लग द की, नोट द एमीटर रीडिंग, चेंज द पोजिशन ऑफ द एमीटर टू एनी वेयर इन बिटवीन द रजिस्टर्स। ओके, नोट द एमीटर रीडिंग ईच टाइम। नाउ क्वेश्चन इज, डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एमीटर। अब यहाँ हम लोग इस फिगर में आ जाते हैं। यहाँ पर लगा हुआ है रजिस्टर है, एमीटर है, और क्या कर रहा है कि इस एमीटर के रीडिंग को, एमीटर के पोजिशन को हम लोग चेंज करेंगे। जैसे यहाँ लगा है तो इसे यहाँ से हटा करके कहीं और लगा देंगे और फिर देखेंगे उसके रीडिंग को लेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ रीडिंग में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट इन द एमीटर इज सेम। करंट के वैल्यू में कुछ भी चेंज नहीं होगा, करंट सेम ही रहेगा। क्योंकि जब हम करंट को डायग्राम में दिखाते हैं, यहां से जो करंट को हम लेके जा रहे हैं तो इस रजिस्टर, जो पहला रजिस्टर है वहां भी सेम करंट जाएगा, दूसरे रजिस्टर में भी सेम ही करंट जाएगा और तीसरे रजिस्टर में भी सेम ही करंट जाएगा। यानी करंट में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, करंट के रीडिंग में कुछ भी डिफरेंस नहीं होने वाला। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। If you have any doubt, mention in the comment section below. See you in next class.